Assalamualaikum, welcome to my channel KD Vlog. आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ रमजान की जान इफ्तारियों की शान और सबके पसंदीदा पकौड़े. वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ. चलिए आए शुरू करते हैं. मैंने लिया है एक प्याली भरकर, एक प्याली जो था वो मैंने बेसन लिया है और उसमें मैंने दो चम्मच आटा डाला है और इसके अलावा मैंने हरी मिर्चें जो थी वो डाली हैं काटकर और मैंने इसमें डाला है नमक, जीरा पाउडर, अजवाइन और सोडा, पीसी हुई लाल मिर्च और सूखा धनिया साबुत डाला है मैंने इसमें और चाट मसाला भी डाला है. ये सात चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से जो था वो मिक्स कर लिया है. किसी भी किस्म के पकौड़े बनाएं ना तो उसमें अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए, अच्छा होता है. और जो है मैंने सब स्पाइसेस जो है ना बहुत नॉर्मल रखे हैं, मैंने ज़्यादा नहीं डाले, इतने रखे हैं जो हर तरह के जो है ना वो खा सकें, मतलब कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं खा सकते और बड़े बच्चे सब के लिए जो है ना ये हैं. बाकी आप अपनी जो है वो जो आपका टेस्ट है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं. आप कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं और हरी मिर्च ज़्यादा डाल के या चाट मसाला पाउडर ज़्यादा डाल के जो है वो इसको और स्पाइसी कर सकते हैं. तो मैंने इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं मैंने बिल्कुल मुनासिब चीज़ें डाली हैं और उसके बाद मैंने प्याज और पकौड़ों को जो है प्याज और आलूओं को डाल के जो है वो मैंने बिल्कुल थोड़े थोड़े पानी के साथ मिक्स कर लिया है. और अगर ज़्यादा पानी एकदम से डालो तो वो अच्छा मिक्सचर नहीं बनता और ये बाद में बेसन अपना पानी खुद भी छोड़ता है, तो फिर इसलिए जो है ना मैंने इसमें सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से इसे मैंने मिक्स किया है थोड़े थोड़े पानी के साथ और फिर मैंने जो था वो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था, रख दिया था और फिर मैंने फ्राई किए थे समोसे पकौड़े. और आप देख सकते हैं आपके अपने चॉइस है, आप और प्याज डालना चाहते हैं और बारीक कटिंग करना चाहते हैं तो भी अच्छी लगती है. बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं ये. और ये देखिए आप इसका मिक्सचर रेडी हो गया. मैंने बिल्कुल थिक इसका मिक्सचर रखा है क्योंकि अभी जब आधे घंटे बाद आप इसकी देखिएगा कि जब ये ढीला हो जाएगा सारा बैटर तो फिर ये देखें आधे घंटे के बाद. और फिर जो था मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया. तो चलें करते हैं इसको फ्राई. जी अच्छा ऑयल गरम हो जाए तो फिर पकोड़े डालने चाहिए, नहीं तो पकोड़ों का क्रिस्पी जो होता है ना वो नहीं होते हैं और पकोड़े अच्छे भी नहीं लगते अगर प्रॉपर ऑयल गरम ना हो और हम पकोड़े डाल दें उसमें. तो पहले इसकी हीट को चेक कर लिया करें तो फिर जो है वो पकोड़े ऐड किया करें ताकि अच्छे क्रिस्पी बने. मैं लाइट लाइट सा चमचा जो था वो साथ हिलाती रही हूँ और अब जो है ये पकौड़ों का एक राउंड कंप्लीट हुआ और मैंने इन्हें निकाल रही हूँ प्लेट में. और ये जी मैंने निकाले हैं इन्हें प्लेट में, बहुत ही मज़े के बनते हैं. बहुत सी रेसिपीज़ हैं पकौड़ों की जो बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन ये मैंने आपको एक वन ऑफ द बेस्ट रेसिपी जो है ना ये दी है, जिनको आप जो है वो चाहे केचप के साथ खाएं, चाहे किसी भी सॉस के साथ खाएं, आप चटनी के साथ खाएं इसे और या आप इसको नान के साथ खाएं तो ये बहुत अच्छे लगते हैं. आप इन्हें नान के बग़ैर भी खाएं या नान के साथ खाएं बहुत मज़े के लगते हैं. तो इसके साथ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का ख़त्म. उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी. मेक इट एंड शेयर विद अदर्स. अल्लाह हाफ़िज़.